नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN News। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। पैरों की स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज करने के लिए अप्लाई करें ये 3 तरह के स्क्रब्स। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आनी शुरू, पिछले 24 घंटों में आए 28,591 नए मामले। कंगना रनौत को ट्विटर पर रहना पड़ रहा था भारी, अब एक्ट्रेस का खुलासा, हर दिन होती थी 200 FIR। 5वें टेस्ट के नतीजे को लेकर ICC के पास जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ये है कारण। दुनिया पर फिर मंडराया आतंकी खतरा, तालिबान को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान पर बनाना होगा दबाव। ब्रेन फॉग से निजात पाने के लिए रोजाना इन चीजों का करें सेवन। फिनाले से पहले एलिमिनेटेड हुआ ये कंटेस्टेंट, माना जा रहा था शो का मजबूत दावेदार। असमय बालों के पकने और गिरने की समस्या को दूर करने के लिए रोजाना करें ये आसान तरीका। तालिबान की नाक में दम करने वाले पंजशीर नेता अहमद मसूद ने नहीं छोड़ा अफगानिस्तान, रिपोर्ट में दावा। एप्पल से लेकर शाओमी तक इस हफ्ते ये 5 शानदार स्मार्टफोन देंगे दस्तक, यहाँ जानिए डिटेल। शहीद शेख के बाद अब इस अभिनेता के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, गणेश चतुर्थी के मौके पर शेयर की गुड न्यूज। अर्शी खान ने की गणपति पूजा तो ट्रोलर्स ने याद दिलाया मजहब, अब एक्ट्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। धीमिना की थलाइवी की शुरुआत, पहले दिन कमाए सिर्फ 2 करोड़। ऋतिक रोशन नए लुक में आए नजर, फैंस ने जमकर की सराहना, वायरल हुई तस्वीरें। पार्चर्ड और राजमा चावल जैसी फिल्मों के बाद अब आत्महत्या पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है लीना यादव। 4D को स्पोर्ट की भारत के बाद अब इस देश से भी होगी छुट्टी, सामने आई है जानकारी। अब इन शहरों में भी मिलेगा बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, देता है जबरदस्त रेंज। टाटा पंच SUV में मिलेगा महंगी कारों वाला ये फीचर, टीजर जारी कर कंपनी ने दी जानकारी। ट्रेंड में है सनरूफ वाली ये सस्ती कारें, आपके बजट में आसानी से हो जाएंगी फिट। 2021 फोर्स गुर्खा से अगले हफ्ते उठेगा पर्दा, महिंद्रा थार के लिए चुनौती पेश करेगी SUV। साहित्य के सरताज रंगे राघव पर ताज नगरी को आज भी नाज, स्मृतियां हैं दिलों में शेष। हिंदी के मजबूत कंधों पर ही सशक्त हो सकता है आत्मनिर्भरता का आधार। सुपरटेक बिल्डर पर लटकी ED की तलवार, प्राधिकरण के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ जारी हो सकता है लुकआउट नोटिस। भवानीपुर उपचुनाव, आज से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे प्रियंका टिबड़ेवाल, कल करेंगे नामांकन। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी हिंदुत्व को बदनाम करने का उपक्रम। चांदी के अलंकार इस बार नहीं बढ़ा पाए, मुंबई में बप्पा का ठाट, नवरात्र पर भी रहेगा असर। दिल्ली में क्यों हुई इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश, मौसम विशेषज्ञों ने बताई वजह। मुलेठी चूर्ण बढ़ाएगा हरियाणवियों की इम्यूनिटी, दिमाग भी करेगा तेज, यहां किया जा रहा तैयार। नालों की सफाई में बगे करोड़ों रुपए, नगर निगमों और NDMC के पास नहीं है खर्च का आंकड़ा। गुजरात में बदलाव, आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ, जानिए सब कुछ। गीत संगीत में रीता की लागी ऐसी लगन की हो गई दुनिया भर में मशहूर, पद्म विभूषण गिरिजा देवी से सीखी कला। रायबरेली में राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र में आ रही प्रियंका, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगी धार। जब भगत सिंह ने मॉडर्न रिव्यू के संपादक को समझाया था इकबाल जिंदाबाद का अर्थ, पढ़िए पत्र के कुछ अंश। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, बोले चीन ने लद्दाख में दिल्ली के बराबर भूखंड का किया अतिक्रमण।
ब्लैक शर्ट ड्रेस में सुहाना खान का दिखा ग्लैमरस अंदाज, चांद को निहारती नजर आई शाहरुख खान की लाडली। बाजार की कैसी रहेगी इस हफ्ते चाल, टाटा या दूसरी कंपनी के शेयर में करें निवेश या नहीं, जानिए यहाँ। अपकमिंग ईवीएस टाटा अल्ट्रोज ईवी से लेकर महिंद्रा ई एक्सयूवी 300 तक भारत में लॉन्च होगी ये धांसू इलेक्ट्रिक कार। दिल्ली में थमा बारिश का दौर, जाने अगले कुछ दिन राजस्थान बिहार यूपी और हिमाचल प्रदेश हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम। चलते मैच से गेंद लेकर भागा कुत्ता, सेमीफाइनल मैच में पड़ी बाधा। 18 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी सीमित 18 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम खेलेगी सीमित ओवरों की सीरीज। रणजी मैच फीस का कम से कम 85% मुआवजा देने का प्रस्ताव, बीसीसीआई जल्द करेगी ऐलान। अब अगले साल होगा सीरीज का फैसला, भारतीय टीम 2022 में इंग्लैंड दौरे पर खेलेगी एक टेस्ट मैच। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया में धोनी की बतौर मेंटर नियुक्ति, स्पेशल केस यह कहना है कपिल देव का। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप 6 बल्लेबाजों में सिर्फ एक भारतीय, क्रिस गेल ने तो 30 गेंदों पर ठोकी थी सेंचुरी। उत्तरी इराक के एरबिल एयरपोर्ट के करीब विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हुआ हमला यह कहना है कुर्दिश सिक्योरिटी सर्विस का। अंतरिक्ष में चहलकदमी करेंगे अकीहिको, होशिदे और थॉमस यहां देख सकेंगे लाइव। 9/11 आतंकी हमले की 20वीं बरसी, तरनजीत सिंह संधू ने न्यूयॉर्क में दी श्रद्धांजलि। एक मुश्त निवेश से पाई है आजीवन पेंशन का फायदा, जॉनी एलआईसी की इस पॉलिसी के बारे में। महामारी के प्रभाव से अधिक मजबूती से उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था यह कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। कुकिंग ऑयल की कीमतों में जल्द आएगी गिरावट, सरकार ने की बेस इंपोर्ट टैक्स में कटौती। SBI ने किया अपनी पेंशन सर्विस वेबसाइट को अपग्रेड, पेंशन से जुड़ी सभी सर्विस होंगी आसानी से मैनेज। इसी योजना के तहत जमा पर पाइए बेहतर ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट, जानिए क्या है यह सरकारी स्कीम। चीन पर एक और सख्त प्रहार, भारत ने इन उत्पादों पर ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना आहार में दें ये जरूरी चीज है। 12 सितंबर 2021 का राशिफल, मीन राशि वालों के यश कीर्ति एवं उपहार में वृद्धि होगी, व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा। तेलंगाना में शुरू हुई मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना, ड्रोन के जरिए भेजी जाएंगी दवा। अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष राजदूत जॉन केरी 3 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगे भारत, जलवायु संबंधित मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अक्टूबर में आएगी जायकोव डी, बगैर इंजेक्शन ही 12 से 18 साल के किशोरों को दी जाएगी खुराक। कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र मिलेगा, वजह भी होगी दर्ज, दिशा निर्देश जारी, जाने कौन से मामले ही माने जाएंगे कोविड डेथ। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद NCLT व ITAT ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों को केंद्र की मंजूरी। इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेगी निजी कंपनी स्काई रूट। 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे CM। प्रियंका वाड्रा का 2 दिवसीय रायबरेली दौरा आज से, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगी मंथन। स्वामी प्रसाद मौर्य की फिर फिसली जुबान, भाजपा के सम्मेलन को बसपा का बोल गए, वीडियो वायरल। महिला खिलाड़ी की हत्या में बिजनौर पुलिस को सौरभ नाम के कातिल की तलाश। आगरा में पूर्व सांसद पति आरोपों के घेरे में, डॉक्टर ने मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा कराया दर्ज। राकेश टिकैत ने की नोएडा के DM सुहास LY से मुलाकात, उपहार भेंट कर कहा खाएंगे तो किसानों को याद करेंगे। सिया से कानपुर की तकनीक से 10 दिन पहले उगेंगे मशरूम, उत्पादन और आकार भी होगा बड़ा। मधुबनी पेंटिंग, मणिपुर के काले चावल, बीकानेर की भुजिया जैसी चीजों की ई कॉमर्स निर्यात होगी आसान, इस महीने आ रही नई विदेश व्यापार नीति। राकेश बापट से लड़ने के बद प्रतीक के करीब आई शमिता शेट्टी, एक्टर को किया किस।
हर महीने करिए केवल इतने रुपए का योगदान और बाय रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन, जानिए सरकारी स्कीम को। गुजरात पहुंचे भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक, दोपहर 2:30 बजे विधायक दल की बैठक में नए सीएम पर फैसला। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आनी शुरू, पिछले 24 घंटों में आए 28,591 नए मामले। प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता की दोस्ती है इतनी पुरानी, लंदन में मुलाकात के बाद यादें हुई ताजा। पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच कैप्टन अमरिंदर की नया कदम। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन, सीएम केजरीवाल समेत 34 नेताओं को मिली जगह। अपकमिंग ईवीएस टाटा अल्ट्रोज ईवी से लेकर महिंद्रा ईएक्सयूवी 300 तक भारत में लॉन्च होगी यह धासु इलेक्ट्रिक कार। स्टोरी टेलर से सुना रहे अपनी भाषा में भारत की पौराणिक कहानियां, जुड़ रहे संस्कृति से अपना तार। रामचरण और जूनियर एनटीआर के ट्रिपल आर की रिलीज डेट टली, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। पटना में आज तय होगा चिराग पासवान का भविष्य, रामविलास के बहाने दिखेगी ताकत और कमजोरी। बिहार में बारिश के आसार, दिखेगा बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल का असर। औरंगाबाद में डायरिया से 2 बच्चों की मौत, सदर अस्पताल में हंगामा, कई अन्य का चल रहा इलाज। बिहार शरीफ में पकड़े गए 3 फर्जी गुरुजी, एक ही प्रमाण पत्र पर हो गई 2 शिक्षकों की नियुक्ति। पर्यूषण पर्व के तीसरे दिन गया में उत्तम माधव की हुई पूजा, अहंकार के त्याग करने का दिया गया संदेश। शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति बप्पा का विधिवत विसर्जन, बच्चे भी साथ आए नजर, वायरल हुआ वीडियो। सेकंड एसी में भी चैन की नींद की गारंटी नहीं, महसूस करे यात्री की पीड़ा। बोकारो में जी जाने साली के साथ किया गंदा काम, दोस्त ने भी उठाया मौके का फायदा। मतांतरण की साजिश के खिलाफ संघ परिवार मुखर, रोकने के लिए हिंदू शक्ति को जागृत करने पर जोर। 21 पुलिसकर्मियों का एक थाना से दूसरे थाना में तबादला, ये रही पूरी जानकारी। आईपीएल 2021 के बाकी बचे सीजन की तैयारी शुरू, सभी भारतीय खिलाड़ी पहुंचे यूएई। काबुल के लिए कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू, करने जा रहा पाकिस्तान। एम्स में रोगियों से हिंदी या छत्तीसगढ़ में संवाद करने पर बल। गुजरात के नए सीएम का ऐलान, आज यह हो सकता है फॉर्मूला। 4 वेदर सिस्टम सक्रिय, सोमवार से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने के आसार। पद्मश्री के हकदार, निर्धनों की सेवा करके दिखाई रहा दुनिया, छोड़ने के बाद युवा दे रहे बुजुर्गों को सहारा। मवेशियों के हवाले यातायात व्यवस्था और पुलिस विभाग का है यह हाल। बड़ा टॉप 5 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पूर्वी निगम के पार्षदों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ। रविवार तक घोषित करें DSGMC के नामित सदस्यों के चुनाव का परिणाम। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN News।